शादी के बाद आप स्टार्टिंग में ऐसे प्यार प्यार से झूलते हैं? आए नहीं है, आने से पहले इनको जाने की जल्दी। वाओ, ये देखिए आप, हमारी बीवी कंटेंट दे रही है। क्या कह रहा चाहती थी तुम? अभी क्या कह रही थी बताना? एक कह रही थी, कुछ कह रही थी, बताओ ना। बोलो 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 यार, बोलो क्या बोल रही थी? ये वो लड़की है, ये इस लड़की को पॉलिटिशियन बनना चाहिए। कैमरा ऑन होते ही ये लड़की कुछ और है, कैमरा के पीछे कुछ और है ये लड़की। आज की जर्नी शुरू होती है चाचा जी के साथ। आज हम जा रहे हैं रॉक गार्डन। चाची ने कल इतना पॉपर बनाया है, मेरे को लगा अरे इतना हाई फाई हो गया चंडीगढ़ कि भाई कहीं कहीं लगाए हुए छुपा छुपा के कैमरे। इसने बात पूरी नहीं सुनी ना। हाँ, कि मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, इसको लगा हुआ यहीं की बात कर रही हूँ, मेरी बात सुनती है नहीं पूरी। चला रहा हूँ 30-40 ऐसे चला रहा हूँ, जहाँ 50 की भी स्पीड है मैं 30-40 चला रहा हूँ। अभी हम पहुंचे हैं रॉक गार्डन। रॉक गार्डन ये बहुत फेमस है चंडीगढ़ का। आई एम एक्साइटेड। कितना यार, सुना बहुत है रॉक गार्डन के बारे में, बट देखते हैं। इस बच्चे से रिव्यू लेते हैं हम, बताओ रॉक गार्डन कैसा है? बहुत अच्छा है। और अब हम जा रहे हैं अंदर। यहाँ अंदर आते ही आपको अजंता की मूर्तियाँ दिखेंगी। ये देखो ये आपको देख सकते हैं आप, ये टॉयलेट पे बैठते थे पहले, टूट गई तो उसको ऐसे इस्तेमाल कर लिया। इंडियन ये उन घरों से लाए हैं जहाँ पे पति पत्नी के बहुत झगड़े होते थे, वहाँ पे टूटी जाती थी, कभी पत्नी फेंकती थी तो टूट जाते थे। नहीं, पति को टॉयलेट में फेंकती थी। ये अजंता की मूर्तियाँ, और यहाँ पे मधुमक्खी का बहुत बड़ा छत्ता है। अच्छा, प्लग्स है। ओहो, ये टूटे हुए प्लग्स। अरे यार बहुत सही है यार, सीरियसली ये सॉकेट था, टूटे हुए सॉकेट है। अरे वाह, तो रॉक गार्डन में ज़्यादातर सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिस्पोज हो गई है, उन्होंने उसको सजाने के फॉर्म में यूज़ किया। यहाँ पे हमने एक खुफिया गेट देखा, वो ये गेट है। इस गेट से शाहजहाँ अपनी सेना को लेके गया था। एंड दिस इज नेक चंद्र ने नेक काम किया। तो बेसिकली जो मिस्टर नेक चंद थे, जो पार्टीशन के बाद अलग हो गए थे, उनका सपना था कि उनको एक ऐसा गांव बना सके जो उनके पहले वाले गांव की तरह था, जो पार्टीशन में अलग हो गए थे, जो पाकिस्तान में छूट गया, तो उन्होंने वो रिक्रिएट किया। एक अलग ही यार एक्सपीरियंस आ रहा है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है। एंड हियर वी हैव अ वाटरफॉल एज़ वेल। एंड यहाँ पे कुछ स्केच आर्टिस्ट हैं। हाउ आर यू फीलिंग? कैसा लग रहा है रॉक गार्डन? बहुत अच्छा है ना? ऑसम। और ऐसा लग रहा है ये सब बनाया है यार, ये यार इतना हार्ड है, आई डोंट नो ये सच में बनाया है या ये नेचुरल है। हाँ यार बनाया है ये। यहाँ पे स्टेयर्स बना दिए, और वहाँ से गेट है जहाँ से हमने अभी एंट्री की है, और यहाँ पर इतने सारे रॉक, कितना अच्छा लग रहा है यार। एंड हम यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है। एंड ये है हमारा झरना। चलो बुलावा, वैष्णो देवी वाली फीलिंग आ रही है।
सो ये हमारी फीलिंग आ रही है हमें वैष्णो देवी वाली रॉक क्लाइंबिंग करते हुए। शानू ध्यान से, ज्यादा नहीं शानू ध्यान से, पेट ना खराब हो जाए तुम्हारा। गेट देखो छूटिया गेट के मस्त है। इस खुफिया गेट में सलीम ने अनारकली को बंद किया था। हाँ ठीक है, चलो। है ना यार, ये कितना अच्छा छोटा सा गांव सा बना रखा है। देखो वो मंदिर बना दिया है। ये कितने सारे छोटे छोटे पत्थरों से ये पूरी वॉल वो बनाया है। कैसे बनाया होगा? हाँ सरिया, ये सरिया डल होगा। तो हम यहाँ पे बैठ गए हैं, फोटो ले रहे हैं, अच्छा अच्छा हमारी वापस फोटो ले रहे हैं। बात है, मैं अभी पूर्ति से भी बोल रहा था कि यार फ्लो थोड़ा टूट गया है, क्योंकि ब्लॉग नहीं बना रहे हैं, और ब्लॉग बनाते बनाते बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, और उसकी वजह से बहुत बार हम एकदम सही शॉट लेते हैं, और इस वक्त फ्लो टूट गया, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई। बट हार्ड नहीं माननी चाहिए। आई गेस अब हम बाहर की साइड निकल रहे हैं। अभी है और भी है। अच्छा जी, क्या बात है, और अच्छी बात है यार, फिर तो मजा आ गया। सॉकेट्स जो कि ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और उनको यहाँ पे लगाया, और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना, बहुत एंड बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द डॉल म्यूजियम। यहाँ पे छोटी छोटी बहुत सारी गुफाएं हैं, जिनको अपना सर झुकाने की आदत नहीं है तो यहाँ पे प्लीज ना आए, वरना आप घूम नहीं पाएंगे। ये सीढ़ियाँ जाती है सीधा, कहाँ जाती है सीधा? डॉल म्यूजियम। डॉल म्यूजियम, सो गुड। हाय हाय, हे कुर्ती डॉल म्यूजियम। सॉरी मैडम, आई एम सो सॉरी। हम अगर इनसे बात करें और ये हमसे बैठ के बात कर ले सब भाग जाएंगे। भाई ये लग रही है हॉन्टेड प्लेस। झूल के ना सर भारी हो गया। मजा आ गया। और पता है यहाँ पे तीज का त्यौहार भी होता है, मतलब तीज का पूरा फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है, क्योंकि तीज पे ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ को ना ऐसे झूला झुलाते हैं, तो
इसलिए यहाँ पे तीज का त्यौहार भी सेलिब्रेट होता है क्योंकि बहुत सारे स्विंग्स हैं यहाँ पे। एंड दिस इज सेम वे जिससे हम जहाँ से हम आए थे तब वहीं से हम वापस जा रहे हैं। ये मोगली की सेना टूटी हुई चूड़ियों से बना हुआ है, टूटी हुई चूड़ियों से बना हुआ। इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है यार, और ऐसे बहुत से गार्डन बन सकते हैं ना, टैलेंट की कमी नहीं है। सो यहाँ पे हमारा रॉक गार्डन का जो पूरा टूर है वो समाप्त होता है, और अब हम यहाँ से देखते हैं कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। बट हाँ, कल हम एक मोहिन हिल करके है, चंडीगढ़ से बहुत पास में है, ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स की ड्राइव है, और वहाँ हम जाएंगे। सो लेट्स सी कि कैसा रहता है। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। और आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। And in case you like this video, please hit the like button. And in case you really liked it, please don't forget to subscribe. Please share it with your friends and family. I'll see you again soon. Bye.